एमएस वर्ड 2016 के इस अध्याय में इंसर्ट टैब के तहत इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में आज आप सीखेंगे पिक्चर इंसर्ट करना, रीसाइज करना और उसे रोटेट करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए मेन्यू बार में दिख रहे इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। अब उसके रिबन में दिख रहे ऑप्शंस में से पिक्चर्स पर क्लिक करें। अब जिस भी लोकेशन पर आपने पिक्चर्स रखी हुई हैं, उस लोकेशन पर जाएं और वहां से उसे सिलेक्ट कर लें। हमारी जो पिक्चर है वो इस पिक्चर फोल्डर में है। जो पिक्चर आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करें और इंसर्ट पर क्लिक करें। ये देखिए पिक्चर इंसर्ट हो गई है। आप देखेंगे जैसे ही पिक्चर इंसर्ट हुई ऊपर मेन्यू बार में अपने आप फॉर्मेट ऑप्शन खुल गया है। इस ऑप्शन के रिबन में दिख रहे अन्य फीचर्स के बारे में हम आपको अगली कुछ वीडियोस में बताएंगे। अभी हम पिक्चर को रीसाइज करके देखते हैं। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद जब हम उसके कॉर्नर्स या एजेस पर माउस ले जाते हैं तो एरो का शेप चेंज होकर वो डबल साइडेड एरो जैसा दिखने लगता है। पिक्चर के कॉर्नर पर माउस ले जाकर उसे प्रेस करके अंदर की तरफ ड्रैग करें। ये देखिए पिक्चर छोटी हो गई है। इसी तरह आप पिक्चर को अपने अनुसार कोई भी साइज दे सकते हैं। हम इसे ड्रैग करके बाहर की तरफ लेते हैं तो ये देखिए ये बड़ी हो गई है। इसके अलावा आप चाहें तो रिबन की सहायता से भी इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन के रिबन में लास्ट में आपको साइज ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। यहाँ से आप इमेज की हाइट मतलब लंबाई और विड्थ मतलब चौड़ाई को घटाया बढ़ा सकते हैं। अपवर्ड एरोज से हाइट और विड्थ बढ़ेगी और डाउनवर्ड एरोज से हाइट और विड्थ कम होगी। यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखें कि यहाँ पर जब आप हाइट बढ़ाएंगे तो विड्थ भी उसकी अपने आप बढ़ेगी या विड्थ बढ़ाएंगे तो हाइट भी अपने आप बढ़ती जाएगी। पर अगर आपको किसी पिक्चर में केवल हाइट ही बढ़ानी है या फिर केवल विड्थ यानी चौड़ाई ही बढ़ानी है तो वो आप ड्रैग करके कर सकते हैं। अगर आपको चौड़ाई बढ़ानी है तो उसके लिए वर्टिकल लाइन के बीच में जो सर्कल बना हुआ है उस पर माउस क्लिक करके उसे राइट में बढ़ाएं तो ये देखिए इसकी चौड़ाई बढ़ गई है। इसी तरह से आप चौड़ाई कम भी कर सकते हैं। अगर आपको इसकी हाइट यानी लंबाई बढ़ानी हो तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन पर बीच में जो सर्कल है उस पर क्लिक करके उसे नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये देखिए लंबाई बढ़ जाएगी। इस तरह से आप पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं। इन्हीं दो ऑप्शंस के पास आपको क्रॉप बटन दिखेगा। उसी पर नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो है, हम उस पर क्लिक करते हैं। ओपन हुए ड्रॉप डाउन मेन्यू में से क्रॉप सिलेक्ट करें। उसे क्लिक करने पर ये देखिए इमेज के एजेस पर ब्लैक कलर का सिलेक्शन हो गया है। अब आपको इमेज को जैसे क्रॉप करना है मतलब काटना है माउस से क्लिक करके वहां तक ड्रैग कीजिए। जितना पार्ट आपको काटकर हटाना है उतने पार्ट को सिलेक्ट करके और फिर बाहर क्लिक कर दें। हम पिक्चर को वापस पहले वाली स्थिति में ला रहे हैं। क्रॉप के ड्रॉप डाउन मेन्यू में कुछ और ऑप्शंस हैं जैसे क्रॉप टू शेप। ये देखिए जैसे ही हम इस ऑप्शन पर गए ये इधर यहाँ पर कई सारे शेप्स की लिस्ट ओपन हो गई है। अब इसमें से हम जो भी शेप चुनेंगे हमारी ये पिक्चर उस शेप के अंदर आ जाएगी। ये देखिए वो शेप चुनते ही हमारी जो सिलेक्टेड इमेज थी वो चुने हुए शेप के अंदर आ गई है। अब हम इस पिक्चर को वापस नॉर्मल पोजीशन में ले आते हैं। अब हम आपको क्रॉप ऑप्शन के अंतर्गत एस्पेक्ट रेशियो वाले ऑप्शन के बारे में भी बता देते हैं। इसके अंतर्गत जो पिक्चर क्रॉप होगी वो यहाँ पर जो लिस्ट खुली है उसके हिसाब से होगी। जैसे अगर आप 1:1 रेशो चुनते हैं तो पिक्चर स्क्वायर आएगी यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई समान होगी। ये देखिए इस तरह से।
और अगर हम पिक्चर को पोर्ट्रेट साइज में चाहते हैं तो उसके लिए ये अलग अलग रेशोज दिए हुए हैं, इनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। जैसे हमने 2:3 लिया, ये देखिए पिक्चर पोर्ट्रेट स्टाइल में आई है, यानी ये वर्टिकल है। अगर ये पिक्चर आप हॉरिजेंटल स्टाइल में चाहते हैं तो उसके लिए हम चुन लेंगे लैंडस्केप। लैंडस्केप में भी हमारे पास अलग अलग रेशोज हैं, इसमें से जो रेशो आप चाहें वो चुन सकते हैं। हम चुन रहे हैं 3:2, तो ये देखिए लैंडस्केप स्टाइल में ये पिक्चर क्रॉप हो गई है। अब हम आपको अगला ऑप्शन बता देते हैं, पिक्चर को रोटेट करना। यहाँ पर देखिए जब आप पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर आपको एक राउंड शेप का एरो नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप पिक्चर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। पिक्चर को रोटेट करने के लिए फॉर्मेट ऑप्शन के तहत रिबन में भी आपको एक ऑप्शन मिलता है, इसकी मदद से भी आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। पर इसकी मदद से जब आप पिक्चर रोटेट करेंगे तो वो 90 डिग्री के एंगल से होगी। जैसे हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जब क्लिक किया तो ये सीधे राइट साइड में 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो गई है। उसी तरह से अगर आपको पिक्चर को लेफ्ट में 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। और इसको अगर आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटल करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। और अपनी मनचाही पोजीशन में इसको रोटेट करने के लिए हमने आपको तरीका बता दिया है, वो आप ड्रैग करके कर सकते हैं। MS Word 2016 के इस अध्याय में इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस ब्लॉक के तहत आज आपने सीखा पिक्चर इंसर्ट करना, उसे रीसाइज करना और रोटेट करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।